तो क्या हाल है आप सभी के? तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी इस YouTube चैनल पर। और अभी मैं हूँ फिलहाल ऋषिकेश, जो बस अड्डा है वहाँ पर, ये आपके सामने है बस अड्डा, और यहाँ से यात्रा शुरू होने वाली है। और आपको मैं दो चीज़ें जो मैं लाइव करके दिखाऊंगा, एक तो टिकट बुकिंग जो हम नॉर्मली करते हैं, वो जो हम करते हैं नॉर्मली टिकट बुकिंग एसी, थर्ड एसी या फिर जनरल किसी में भी करते हैं ऑनलाइन, वो करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ जो UTS ऐप है उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके साथ टिकट बुक कैसे करते हैं, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाता हूँ। पहले हम बस स्टैंड चलेंगे, बस देखते हैं हरिद्वार तक की, क्योंकि ट्रेन मेरी हरिद्वार से ही है और अभी तक टिकट बुक नहीं मैंने करी है। तो बहुत ही बेकार सीन हो चुका है इस वक्त, क्योंकि हरिद्वार की कोई बसेस नहीं है। आप देखते हैं सामने, देखिए कितने सारे लोग खड़े हुए हैं बसेस का वेट कर रहे हैं। हरिद्वार जाने वाले बहुत से यात्री हैं, दिन में बसेस काफ़ी टाइम से नहीं है, ये अभी की बात नहीं कर रहा, बहुत टाइम से, सालों से ऐसे देखा जा रहा है हरिद्वार की बस। अच्छा, ओ ये तो जाम में फंसी है बसें, ये तो स्कैम हो गया, ट्रेन छूट जाएगी ऐसे। तो हरिद्वार की बस अब मिल चुकी है, तो कैसे लोग घुस रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बसेस नहीं है, जाम में फंसी हुए सारी बसेस, तो सारी भीड़ एक ही बस में घुस रही है, तो कैसे बच्चों को चढ़ाया जा रहा है, तो देखते हैं। तो जाके बैठे होगी सीट तो मिल जाए, तो सीट तो भी मिल चुकी है। और आपको जो मैं बता रहा था कि टिकट बुकिंग के लिए वो आपको दिखा रहा था हरिद्वार से आज की, तो ये ऑप्शन आता है यहाँ पर। तो ट्रेन तो आप समझ चुके होंगे 14711 हरिद्वार श्री गंगा नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि डेली चलती है हरिद्वार से दिन में 2:20 पे, और आपको 12:30 बजे सुबह पहुंचा देती है श्रीगंगानगर। रूट के बारे में बताऊं तो वाया रुड़की, सहारनपुर, अंबाला, राजपुरा, पटियाला, धूरी और बठिंडा होते हुए सो पहुंच जाती है श्रीगंगानगर। वहां से चलती है एज 14712 सुबह 4:20 पे, और यहां पहुंचाती है 1:40 पे दिन में। और ये लगी हुई है हमारी ट्रेन, सामने काफ़ी पैक्ड है, और लोकोमोटिव भी बस आने वाला है, और काफ़ी एडवेंचर वाली जर्नी होने वाली है हमारी बस ट्रेन। मेरे को लगा छूट ही जाएगी ऑलमोस्ट, पर हम पहुंच गए भगवान की कृपा से। और ये है सामने रश, आपको मैं दिखाता हूँ कितना भयंकर रश है वीकेंड पे ट्रेन जर्नी या फिर कोई भी रेल सफ़र हो, बुरा हालत हो जाती है। और थोड़ी देर पहले ही 190/19 गई है बांद्रा एक्सप्रेस, हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस, ये देखिए हर कोच की हालत बहुत ही बुरी है। अब देखिए दूर दूर तक जहाँ देखेंगे लोग ही लोग, ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का हाल। और ये दोनों ट्रेनें वीकेंड पे तो बहुत ही ज़्यादा पैक्ड रहती हैं। UTS के बारे में आपको मैं ये बता रहा था कि मैंने सहारनपुर तक तो नॉर्मल टिकट बुक करी, उसके बाद का टिकट बुक ऐसे नहीं है, तो मैंने UTS ऐप से ऐसे किया है, तो आप देख रहे हैं UTS ऐप का ये पूरा, तो वहाँ पे नॉर्मल बुकिंग में जाके मैंने उसको सिलेक्ट किया। पहले तो लॉगिन करना पड़ता है इधर से, उसके बाद नॉर्मल टिकट बुक करनी पड़ती है, लोकेशन ऑन करके यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं, ये लोकेशन आपकी मांगेगा, उसके बाद या डेस्टिनेशन जो है आपका और जहाँ से आप बोर्ड करना चाहते हैं ऑटोमेटिक लोकेट करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हरिद्वार ज्वालापुर मोतीचूर, मैंने यहाँ से हरिद्वार किया, और जहाँ मैं जा रहा हूँ मैंने अम्बाला UMB ये अम्बाला, और अब नेक्स्ट करने के बाद ये आपको पूरा डिटेल दे देगा कितने का फेयर है, क्या है मेल एक्सप्रेस, तो 70 रुपीज़ ये आपके सामने कैसे दिखाएगा, तो उसको आप यहाँ से बुक टिकट कर दीजिए, और पेटीएम के द्वारा या फिर डेबिट कार्ड के द्वारा इसे बुक कर सकते हैं। तो मैं यही ऐसे UTS के द्वारा किया, मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट दोनों कैटेगरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो इसीलिए आप इसमें से टिकट बुक कर सकते हैं। कपलिंग हो चुकी है, बाकी अभी इंटरलॉकिंग होगा। अच्छे से
रुचि से तो निकल चुकी है अपने 10 मिनट लेट। बुरा हाल हो रहा है कुछ कर लो, और हमारे पीछे चल रही है जन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि हो सकता है ओवरटेक करे कहीं ना कहीं। नीचे करने का कोई सीन नहीं है, मैं सोच रहा हूँ नीचे उतरूँ फिर बात करूँ, आप सबसे बात तो वही ऑप्शन नहीं है। राइट सहारनपुर 10 मिनट्स लेट। पर कोच का ऐसा कुछ हालत है, उस दिन में हम बैठे थे किस कोच में बैठे थे उसमें भीड़ भड़का हो चुका है क्योंकि माल माल डलेगा इसके अंदर। चलो 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 इसमें माल लोड होगा इसलिए बहुत दिक्कत होने वाली है। सहारनपुर में बहुत भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है सहारनपुर। काफ़ी लेट आई है ट्रेन यहाँ पे। तो देखिए कैसे लोग भरे जा रहे हैं, काफी ज्यादा बुरा हाल है। प्लेटफॉर्म 6 पर हर कोच में यही हाल है, देखिए हर कोच में। तो देखते देखते यहाँ पे जन शताब्दी भी आ गई है जो कि हरिद्वार से पहले हम से निकल आए थे और ये यहाँ पे पहुंच चुकी है। ये देखिए तो अभी अभी जन शताब्दी गई है, वो अभी तक गई भी क्या है, बहुत ही धीरे धीरे चल रही है क्योंकि शायद ट्रैक पे काम चल रहा है। तो मेरे को यहाँ तक लग रहा है यहाँ से निकलते निकलते बच जाएंगे 5:10 के आसपास, उसके बाद ही कहीं चलेगी ट्रेन। और आपके सामने एक और ट्रेन हाजिर है दिल्ली अंबाला इंटर सिटी। हमारी ट्रेन के टाइम पे सिग्नल दे दिया गया है। काम चल रहा था ट्रैक पर लाइजर इंडिया और
आ रही है इसका मतलब ये होता है जो काम हो रहा है काम पर शुरू हो जाता है सारा कुछ सही। आधा घंटा डिले के साथ यहाँ पे आए थे यमुना नगर और यहाँ से चल पड़ी है 2 मिनट के ब्रेक के बाद। जवादरी बस स्टॉप कितना लेट हो गया उसे 1 घंटा तो हो गया यार 1 घंटा करीबन लेट हो चुकी है ट्रेन। सो ऑलमोस्ट 48 मिनट्स लेट होम पहुँच चुके बराबर 2 मिनट जैसे अभी पहुंच चुकी है अभी आधा घंटा करीबन लेट है पहुंच गई है अम्बाला और अभी हम बस क्या रुकेंगे सीधा अम्बाला। तो आप देख सकते हैं कितने लोग उतरे हैं अब अम्बाला में कितने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। तो ये हम आ गए हैं समय से 35 मिनट की देरी से अम्बाला कैंट और मेरा यहाँ पे लास्ट स्टॉप है मतलब मेरा यहाँ पे जर्नी एंड होता है और
ये प्लेटफॉर्म है 4 से तो ट्रेन जा रही है सीधा गोल TMT लोकोमोटिव लगाता है F7 का। ये आई थिंक सर्वोदय है या कोई तो ट्रेन है, पहले इसको जरा देख लेते हैं कौन सी ट्रेन है। एक बार जाने से पहले हाँ बांद्रा गांधीधाम हापा जामनगर ये अलग अलग डेज पे चलती है क्योंकि ये हमारी जर्नी यहीं पे लास्ट होती है बाला कैंट। यहाँ से मैं अपनी दूसरी जर्नी करूँगा वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इस जर्नी में मज़ा आया हो प्लीज़ इसको लाइक करना शेयर करना या तो रिलेटिव के साथ। और इस गाड़ी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं बेकार गाड़ी है बट बहुत ही ज़्यादा पैक्ड है सीज़न में। ये और जन शताब्दी दोनों ही ट्रेन है क्योंकि वीकेंड पे तो भाई अंबिकी से हो बाला से बहुत यात्री इसमें आता है जो गंगा स्नान करने आता है हरिद्वार ऋषिकेश। तो इसी वजह से ये ट्रेन थोड़ा ऐसा हो जाता है हालत भीड़ भीड़। तो अभी कुछ खाली हो चुका है वैसे, बाहर निकलते आपको ही मिलेगा पढ़ने के लिए। और ये स्टेशन बाला कैंट, पार्किंग वगैरह यहाँ है और उधर से भी एंट्री है। और ये कुछ मैं तो बीच वाले से आया हूँ और यहाँ से उधर एक्सीलेटर भी हैं और सनसेट अच्छा खासा हो रहा है। तो आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलूँगा दूसरी वीडियो में, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना। और अम्बाला कैंट आप देख लीजिए ऐसा कुछ। मैं आपको जल्दी मिलूँगा किसी दूसरी यात्रा में और मेरी आने वाली चारधाम रेल लाइन परियोजना जो चल रही है उसके अपडेट के ऊपर। तब तक अपना और अपने घर वाले को शाम दीजिए, आते पीते इंजॉय करिए। बाय बाय।